आज के टिप्स देखकर आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि काश ये टिप्स मुझे पहले पता होते। जी हाँ, एक से बढ़कर एक टिप्स आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आपको काफ़ी पसंद आएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वरदान पकवान और मैं हूँ प्रतिभा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो टिप्स है वो है इस तरह की चीज़ की स्लाइसेस को लेकर। कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि उन्हें इसे खोलना नहीं आता है, वो जब भी इसे ओपन करते हैं तोड़ देते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, पर काफ़ी सारे लोगों को ये तरीका पता नहीं होता है। तो वो कैंची से कट करते हैं या फिर हाथ से तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी जो स्लाइसेस होती हैं ना, सारी ख़राब हो जाती हैं। तो इसको किस तरह से ओपन करना है, चलिए मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पलट लेंगे, देखिए इस तरह से, और यहाँ पे देखिए यहाँ से ये जुड़ा हुआ रहता है, तो इसको हमें पकड़ के खींचना है। जब आप इसको इस तरह से पकड़ के खींचेंगे ना, तो ये देखिए बहुत ही ईजिली ये खुल गया है। और यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ से दूसरा पार्ट इसका जुड़ा हुआ है, यानी दूसरी जो इसकी साइड है इसके रैपर की, वो जुड़ी हुई है। तो इसको भी हम पकड़ के इस तरह से पीछे खींच देंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब देख सकते हैं कि बहुत ही इजीली ये पूरा हमारा स्लाइस पूरी निकल आई, कोई भी कहीं पे भी कट नहीं आया है, कहीं से भी ये टूटी नहीं है। तो अगली बार आप जब भी ये चीज़ स्लाइसेस लाएं, बिल्कुल इसी तरह से ओपन करिएगा। तो चलिए एक बार मैं आपको और दिखा देती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए बहुत ही आसानी से ये फिर से ओपन हो गया है। और आप अभी इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी मन करे वैसे खाइए, और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगला जो टिप्स है वो है एक्सटेंशन बोर्ड को लेकर। देखिए, जब भी हमारे घर पे एक्सटेंशन बोर्ड हम यूज़ करते हैं और उसको इसी तरह से हम छोड़ देते हैं, और ये देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, साथ ही हमारी जगह भी ज़्यादा घेरता है, तो इसको फोल्ड करने का क्या तरीका है, चलिए मैं बताती हूँ आपको। तो हम इसके तार को लेंगे और इस तरह से इसको घुमाते हुए चले जाएंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से, मतलब आप देखोगे ना तो आपको अच्छे से समझ आएगा। और इस तरह से फोल्ड करके आप कहीं भी इसको रख सकते हैं, ऐसा भी नहीं इधर उधर तार लटकते घूम रहे हैं ना, इस तरह से पैर में भी नहीं चुभेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि पैर में चुभ जाता है, तो इस तरह से रख देंगे तो ये पैर में भी नहीं चुभेगा। ये देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है कि हाँ अच्छे से रख गया है, ऐसा नहीं है कि बिखरा पड़ा हो। अगर आपके भी घर में एक्सटेंशन बोर्ड हैं तो इस तरह से आप उन्हें आराम से फोल्ड करके रख सकते हैं। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आए। अक्सर हमारे घर में इस तरह की कोल्ड ड्रिंक की बोतल तो आती ही रहती हैं, और जब भी ये खाली हो जाती है तो हम इसे उठाकर फेंक देते हैं। तो इसे फेंकिए मत, बहुत सारे इसकी यूज़ हैं। तो इसे यूज़ करने का एक तरीका मैं आपको बताती हूँ। तो आगे का जो पार्ट है ना, वो मैंने यूज़ कर लिया है किसी काम के लिए, और पीछे का पार्ट है ना, इसको हमें इस तरह से कट कर देना है। अगर चाकू को हल्का सा गर्म कर देंगे ना, तो बहुत अच्छे से ये कट जाता है। ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया है, और किस तरह से मैं इसे यूज़ करूँगी, चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसे आप दे सकते हैं अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को स्कूल में या फिर घर पे कलर करने के लिए। और ये इतना अच्छा होता है ना कि 5 तरह के कलर हम इसमें कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके 5 खाने बने हुए हैं ना, तो इसमें 5 तरह के कोई भी कलर आप कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही बढ़िया प्लेट की तरह काम करेगा, जो हम मार्केट में ख़रीद के लेके आते हैं ना कलर की प्लेट, इसमें कलर डाल डाल के हम कलर करते हैं, ये उसकी जगह आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो इससे आपके पैसे की तो बचत होगी ही, साथ ही अगर बच्चे आपके इसको खो भी देते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दूसरी बना लीजिए। मतलब वही वाली कहावत हो जाएगी, वैसे किसी से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। आई होप ये टिप भी आपको पसंद आया हो। चलिए अब अगला टिप देखते हैं। जब भी हम घर में खाना बनाते हैं तो कुछ ना कुछ खाना तो हमारा बच ही जाता है, जिसे हम उठाकर फ्रिज में रख देते हैं। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि फ्रिज में डायरेक्ट हमें कोई चीज़ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि फ्रिज की जो गैस होती है ना, वो हमारा खाना बिल्कुल ख़राब कर देती है। मतलब ऐसी चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए जो हम खुली फ्रिज के अंदर रख दें। तो इसके लिए ज़्यादातर हम प्लेट वगैरह रखते हैं इसको ढकने के लिए, लेकिन प्लेट बहुत ज़्यादा जगह घेरती है, साथ ही हमारे बर्तन भी घिरे रहते हैं। तो उसके लिए यूज़ कीजिए आप इस अल्मोनियम फॉइल का, इसको अच्छे से इस पर कवर कर दीजिए। मतलब जो भी खाना आप रखें कटोरी में या कटोरे में, तो इस तरह से आप कवर करके रख दीजिए। तो इससे आपका जगह भी कम घेरेगी और थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है, बड़ी बड़ी प्लेटें छोटी कटोरी में अच्छी नहीं लगती हैं। इससे आपके बर्तन भी घिरे हुए नहीं रहेंगे, साथ ही जो फ्रिज की गैस है वो भी खाने के अंदर नहीं जाएगी। और अगर आप अल्मोनियम फॉइल का यूज़ नहीं करना चाहते, तो इस तरह के मिठाई के डब्बे तो हम सभी के घर में आते हैं और इन्हें हम यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं। तो मिठाई खाने के बाद इस डब्बे को मैंने उठा के रख लिया है, इस तरह के काफ़ी डब्बे हैं मेरे पास। तो मैं क्या करती हूँ, इसी तरह से इसको खाने को ढक कर फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। इससे क्या होता है, हमारे बर्तन ज़्यादा घिरे हुए नहीं रहते,
तो इस तरह के डब्बे को फेंकिए मत, इसको उठा के रख लीजिए और इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अपना अगला टिप देखते हैं। तो यहाँ पे एक तवा मैंने गैस के ऊपर रखा है, गैस को मैंने यहाँ पे ऑन कर लिया है। अक्सर हम लोग जब भी कोई चीला या फिर डोसा वगैरह बनाते हैं तो आपने देखा होगा वो हमारे तवे के ऊपर चिपक जाता है। तो ले लीजिए आप एक केले का छिलका और इसको अच्छे से तवे के ऊपर रगड़ देना है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, प्याज को काट के रगड़ते हैं। काफ़ी सारे लोग देखे होंगे आपने प्याज को रगड़ते हैं, उससे भी चीला या डोसा आप जो भी बनाएंगे बहुत ही आराम से छूट जाता है। तो आप एक बार इस तरह से प्याज को यूज़ ना करके इस तरह से केले के छिलके का यूज़ करके देखिएगा, इससे जो आपका चीला या डोसा जो भी आप बनाएंगे ना वो बहुत ही आसानी से छूट जाएगा। साथ ही प्याज का जब हम यूज़ करते हैं तो प्याज भी हमारा ख़राब हो जाता है क्योंकि आधा वो जल जाता है तवे पे रगड़ने की वजह से, तो आपका एक प्याज भी बच जाएगा। केले का छिलका इतना लिसलिसा इतना सॉफ्ट रहता है ना, तो हम जब तवे पे उसको रगड़ देते हैं इसके बाद कोई भी चीला या डोसा हम बनाते हैं तो फटाफट से वो छूटता चला आता है। कई बार नॉनस्टिक तवे पे भी हमारा चीला और डोसा अच्छे से नहीं छूट पाता, लेकिन इस तरह से अगर आप केले का छिलका उस पर अच्छे से रगड़ देंगे तो आपका डोसा या फिर आपका चीला जो भी आप बनाएं फटाफट से छूटता चला आएगा। ये देखिए यहाँ पे हमारा यहाँ पे एक चीला बनके तैयार हो गया है। और केले के छिलके के बहुत सारे उपयोग हैं, इसे आप अपने दांतों पर भी रगड़ सकते हैं, इससे आपके दांतों में जो पीलापन है वो भी खत्म होता है। साथ ही अपने हाथों पर भी रगड़ सकते हैं अगर आपके हाथों में खुश्की वगैरह है। साथ ही चेहरे पर अगर आप रगड़ेंगे इस केले के छिलके को तो अगर आपके दाग धब्बे हैं, मुहासे की समस्या जो यानी पिंपल बोलते हैं वो हैं आपके, तो वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने काफ़ी सारे बेसन के चीले बना के तैयार कर लिए हैं। तो आई होप ये टिप भी आपको पसंद आया हो। तो ऐसी ही जानकारी से भरपूर लाइफस्टाइल चेंजिंग वीडियो के अपडेट रेगुलर पाने के लिए सब्सक्राइब और बेल बटन के साथ क्या करना है वो तो आप सब जानते ही हो। तो खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए और फुल टाइम सबसे आगे रहने के लिए रोज़ बरदान पकवान पे आते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन।